कोई प्रॉब्लम है, पहले तो आप लोग उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। अगर क्वालिटी चेक करने के बावजूद भी हम लोग राशन में, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक बाइंडर्स, जो टॉक्सिन्स को बाइंड कर देते हैं, हम थोड़ी सी रेशो इसमें टॉक्सिक बाइंडर भी डाल देते हैं ताकि पशुओं को ये प्रॉब्लम भी ना आए। ये बात समझ आ गई। आगे सबसे लास्ट बता गई हमने पानी। पानी में आपको पहले भी बताया था पशु के शरीर में कितना पानी होता है, 60-70%, और पशु के दूध में कितना पानी होता है, 82-87%। तो हमको पशुओं को पानी दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये बाहर का तापमान कितना है एक बात, दूसरी बात वो कितना दूध दे रही हैं, नंबर 3 हम उसको खाना कैसा डाल रहे हैं, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट हम लोगों को पानी की क्वांटिटी दिन में 2 से 3 बार और गर्मी में 4 बार भी डाल दें तो उसको खुली अच्छी क्वालिटी का पानी आप लोगों को रेगुलर डालना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल करोगे, नंबर 1 तूड़ी डालनी है। अब तूड़ी डालनी कितनी है, तूड़ी पशु को कितनी डालनी है, ये बात थोड़ा ध्यान से समझो। 120 किलो भार के लिए एक पशु को 1 किलो तूड़ी चाहिए। 120 किलो अगर पशु के शरीर का भार है उसको 1 किलो तूड़ी चाहिए। अगर आपके पशु का भार 4 क्विंटल है तो आप लोगों को 3.5 क्विंटल उसको, 3.5 kg उसको तूड़ी डालनी है सारे दिन में 24 घंटों में। हरा पट्टा कितना डालना है, 120 kg भार के लिए आप लोगों को 10 किलो हरा पट्टा चाहिए। अगर उसका भार 4 क्विंटल उसका भार है तो आप लोगों को 35 किलो उसको हरा पट्टा डालना चाहिए। ये बात समझ आ गई। सो एक बात होगी आपको सूखा चारा 120 किलो भार के लिए 1 kg, हरा चारा 120 किलो भार के लिए 10 kg, कंसंट्रेट राशन जो मेंटेनेंस राशन है वो 2 किलो, प्रोडक्शन राशन 2.5 किलो दूध के लिए 1 kg, अगर बच्चा अगर प्रेगनेंसी है 5वें महीने से ऊपर उसके हिसाब से 1 किलो एडिशनल डाइट, उसके साथ में मिनरल मिक्सचर एट द रेट ऑफ 0.7%, दूध और उसमें साल्ट एट द रेट ऑफ 1-2%, और पानी की क्वांटिटी जितनी दे सको आप उतनी पानी की क्वांटिटी देते रहो, तो आपके पशुओं को ना तो आपको उनको नए दूध होने की प्रॉब्लम आएगी, ना उनका सेहत का लॉस होगा, और वो लंबे समय के लिए आप लोगों को दूध देती जाएगी। ओके, दिस इज ऑल अवर टुडे, थैंक यू।